भाई माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो माइलेज जो है नेक्सॉन ऑटोमेटिक पेट्रोल 21.1 का जो है माइलेज निकाल लिया। जैसे कौन सा वाला मसूरी है, ये दूसरा वाला है, गाजियाबाद वाला मसूरी है ये। भाई देखो, अगर किसी को सस्ते में काम करना है ना तो गाजियाबाद वाला मसूरी चले जाओ। पूछा यार इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए हम मसूरी है क्या ये? भाई एप्पल के ब्लूटूथ बेच रहे हैं ये एयरपोर्ट, मतलब ये चाइना वाले होते हैं ये चलता तो चांद तक, ना चले तो रात तक। मंडी तो इजी चले जाएंगे, मंडी जा सकते हैं अभी, मनाली जाए कल बंद था। गूगल ने शॉर्टकट बता दिया और आप खुद ही रोड देखो यार, इस रोड पर कुछ नहीं है, मतलब 15-20 किलोमीटर से हम ऐसे ही चल रहे हैं। होटल मिला है बहुत मुश्किल से, कल तो भाई 1 बजने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया, ये है मेरी टाटा नेक्सॉन जैसे कि आपको पता ही है, और ये है रोड, और मैं जा रहा हूँ स्पीति वैली। तो इस ट्रिप के अंदर आपको बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ मिलेंगी, नेक्सॉन की कैपेबिलिटी चेक करेंगे, नेक्सॉन एवरेज क्या दे रही है मैं आपको बता देता हूँ। ये है नेक्सॉन 1.2 टर्बोचार्ज इंजन ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक जो है पहाड़ों के अंदर कैसा परफॉर्म करती है सब कुछ जो है ट्रिप के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ होंगी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं अपनी ट्रिप शुरू। तो मेरठ से हम जो जा रहे हैं स्पीति वैली, तो यहाँ जो है गाड़ी का टैंक फुल करा रहे हैं। गाड़ी जो है डिस्टेंस पर अभी 76 दिखा रही थी, मतलब ऑलमोस्ट डाउन थी, रिजर्व दिखा रही थी, ये सब चल रहा है। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 96 है, तो देखते हैं कितना फ्यूल आता है इसके अंदर। इधर आया है 35 लीटर, बाकी जो ऑटो कट हो गया ऑटो कट से थोड़ा सा और ऊपर करा रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। तो 36.21 इसके अंदर आया, बाकी इसके अंदर 8-10 लीटर पहले भी था। और ये फिलहाल जो है नेक्सॉन हमारी जो है एवरेज दे रही है 13.2 का, और 16 किलोमीटर फिलहाल हमने ड्राइव कर ली, जैसे कि आप देख सकते हैं 90 पे क्रूज कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा ना ये ऑटोमेटिक कम ही एवरेज देती हैं, और एसयूवी भी आपको पता है नेक्सॉन तो एवरेज कम ही है, 5-स्टार रेटेड कार है। बाकी आप नज़ारे के मज़े लीजिए। फिलहाल मैं इस टाइम हूँ हापुड़ में, क्योंकि मैं हापुड़ से ही, मतलब मेरठ से तो मैं आ गया था हापुड़ के अंदर, यहाँ से जो है हमें यहीं से ट्रिप अपनी कंटिन्यू करनी थी। तो हापुड़ से आप मान सकते हो कि हापुड़ से जो है क्या नाम स्पीति वैली, तो मेरठ से पहले मैं हापुड़ आया हूँ, हापुड़ से फिर जो है स्पीति वैली, मतलब स्पीति वैली डायरेक्ट तो नहीं जा पाएंगे, पहले तो मनाली में रुकेंगे। मतलब जो जो चीज़ें होंगी मैं सब कुछ आपको दिखाई दूंगा। हापुड़ गाजियाबाद के पास एक स्मॉल टाउन है। अच्छा, बाकी ये चीज़ों हैं। हाय, अरे वंश भाई बैठे बिल्कुल साइलेंट मोड पे, वंश भाई कुछ बोल ले करो, टाइम आने में बोलेंगे ना ये दीदी। तो चलते हैं, चार लोग जा रहे हैं फिलहाल, तो चार लोग तो हमने दिखाई दिए ना, चार लोग जा रहे हैं। ब्लॉगर इतना बोल लेते हैं पीछे वाले तो छूट गए जाते। बाकी गाड़ी हमारी अभी भी नेक्सॉन बिल्कुल न्यू ही मानो आप, क्योंकि 3-4 महीने हुए हैं, और गाड़ी ऑलमोस्ट कितनी चल चुकी है, गाड़ी 1700 चली है अभी तक, मतलब ऑल ओवर नई गाड़ी 1700 ही चली है, बस छठे गियर के अंदर चली है गाड़ी। फिलहाल जैसे इको मोड पे कर देते हैं हम, कौन सा है स्पोर्ट्स ई सिटी इको, तो इको मोड पे हमने कर दी है गाड़ी। तो चलिए आगे का जो भी रहता मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल जो ऊपर देखिए मसूरी, कौन सा वाला मसूरी है, ये दूसरा वाला है, गाजियाबाद वाला मसूरी है ये। भाई देखो, अगर किसी को सस्ते में काम करना है ना तो गाजियाबाद वाला मसूरी चले जाओ। देखो ये रहा, मैंने सोचा यार इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए हम मसूरी। तो भाई गाजियाबाद, अच्छा एक ही मेरठ के पास भी पड़ता है मसूरी, वो आपका इधर पड़ता है मवाना से पहले, तो वहाँ भी मसूरी है। तो भाई अगर किसी को वहाँ भी जाना तो वहाँ भी घूमिए, बस नाम के लिए भाई फोटो खिंचवा के आ जाना कि मसूरी घूमिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टॉप पे। एक चीज़ आपको और ऐड ऑन कर दूँ, अगर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 12:07 हो रहे हैं, हमने सोचा कि रात तक जो है हम जो है मनाली पहुँच जाएँ,
बाकी ये जो हमने हाईवे पकड़ने वाले, कौन सा हाईवे पकड़ने वाले? ये NH24 है फिलहाल अभी, NH24 से ईस्टर्न पेरिफेरल वे पकड़ेंगे। अच्छा, तो हाईवे हाईवे जो अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे अपने, बस थोड़ा सा माइलेज का हो रहा है कि भाई माइलेज ये गाड़ी कितना है। मैं मैक्सिमम माइलेज निकालने की कोशिश करूंगा और मैं दिखा भी दूंगा कि क्या क्या जो है माइलेज निकाल रही है गाड़ी। गाड़ी चल गई है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर और एवरेज अगर हम बात करें तो 18.4 का शो कर रही है और गाड़ी 90-95 चल रही है, तो सही है एवरेज। तो ऐसा भी कोई कम नहीं है कि ऑटोमेटिक है और पेट्रोल इंजन है, बाकी जो है क्रूज है। भाई एक फ़ायदा तो है भाई, चाहे पेट्रोल के प्राइस कितने भी बढ़ गए हो, हाईवे इतने हो गए ना, तो वही एवरेज आ जाता है अब। क्यों कि भाई अब मतलब पेट्रोल के प्राइस इतने, तो हम गाड़ी उस पर क्रूज कर देते हैं ना हाईवे पे, तो वही एवरेज आ गया हमारा। बाकी ये ग्रैंड आई टेन चल रही है पुरानी गाड़ी, भाई ने शीशे खोल लगे, भाई ऐसे शीशे खोल के मत चलाया करो जब आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में हो, उल्टा एवरेज कम हो जाता है ऐसे, तो भाई ने गलत कर रखा है। ये शीशे बंद करके जो है चलाया करें गाड़ी, ये डिजायर जा रही है। ये ओरिजिनल तो ओरिजिनल है क्या? ये ओरिजिनल है क्या? ये भाई एप्पल के ब्लूटूथ भेज रहे हैं ये। अच्छा, चलो 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 भाई देखो ये टोल पे ना, बताए अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये टोल पे जो है एयरपोर्ट, मतलब ये चाइना वाले होते हैं ये। देखो कोई भी अगर हाईवे पे आपको ऐसा मिले करे ना कि भाई ये एप्पल के एयरपोर्ट, ये बोलते हैं कि ब्लूटूथ बेच रहे हैं, भाई मत ले करो, ये चाइना वाले होते हैं। कुछ लोग ले लेते हैं, बाद में खोल के देखते हैं कि वो चाइना वाले निकलते हैं। तो ये मेरे साथ स्कैम कई बार हो चुका है, पर मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं तो एंड्रॉइड यूजर हूँ, मेरे पास तो नहीं। ये चलता तो चांद तक, ना चले तो रात तक। चांद तक वाला सोच के ले लेते हैं, अरे लोबाग ले लेते हैं, तो 400-500 करोगे क्या? क्या कितने कह रहा था? 24,000 रुपए का, 24 का ऐसे बेच रहा होगा। पहले बेचारे ने दिमाग लगाया होगा, गुंडा होगा कितने का। मैंने वही सोचा, मैंने ब्लूटूथ है लेकिन वो एयरपोर्ट्स थे। ये ऐसे मिले करे ना आपको ऐसे, तो इनसे कुछ लेने वेने की जरूरत नहीं है, फालतू का इनका हर बार का ये ड्रामा होता है। ये टोल पे खड़े हो जाते हैं और भाई एक आध मुर्गा फंस गया और इनका जो है एक दिन की झाड़ी बन गई, तो ये वाला काम करते हैं। अभी हम फिलहाल हैं पानीपत में और गाड़ी जो है हमारी चल चुकी है 141 एवरेज क्या निकाल रही है गाड़ी? 18 का एवरेज निकालिए, मतलब 18 से ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो 18 का एवरेज निकालिए। खैर इतना ही एवरेज ये निकालिए क्योंकि गाड़ी जो है अभी 1900-1800 किलोमीटर कुल चली है ये ऑल ओवर, तो यार नई नई गाड़ी जो एवरेज देती भी कम है, बाकी जो 110 चल रही है ये, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम। फिलहाल जो है हमारी डेस्टिनेशन जो है कितनी बची है, तो आप देख सकते हैं 450 किलोमीटर अभी हमें और जाना है, और 10 घंटे का रास्ता बता रहा है। ये देखिए आप, ये वाली स्क्रीन ना काफ़ी जो है ना अच्छी रहती है कि भाई हम जो इसी के अंदर से अपना सब कुछ कर सकते हैं, मतलब मैप वैप लगा सकते हैं, इजीली हो जाता है। तो ये पानीपत का टोल है जो कि ये है, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं 1:53 हो रहे हैं ये टाइम। 5-10 सेकेंड तो वैसे भी होगा, आप देख लो भाई कोई रूल वूल नहीं होता, वो 10 सेकंड वाला सब वो फालतू की बातें होती है कि 10 सेकंड के अंदर गाड़ी पास कर देते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो ये है वो सब बेकार रूल है, कोई रूल नहीं है, आप खुद ही देख लो यार। तो ये वही टोल है, टाइम देख लो 2 बज गए हैं, 5 मिनट से भी ऊपर हो चुका है, कोई टोल फ्री नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई वही जाम लग रहा है, टोल दे के ही निकालेंगे, ये देख लो। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं करनाल और यहाँ रुके हैं, यहाँ पे ब्रेक लिया है, अगर टाइम की बात करें तो 2:30 बज रहा है, और ये है मतलब यहाँ रुके हैं, ढाबा है अब जैसे वो लिखा हुआ है पंजाबी ढाबा, जो कि है मतलब कमर भी अकड़ गई भाई, और अभी भी कम से कम 450 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। हालत नेक्सॉन की देख लो, बिल्कुल बढ़िया है, एवरेज जो 18 का देख रही है, और मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी जो कितनी चल चुकी है,
और का एवरेज शो कर रही है पेट्रोल पे, और 180 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और टोटल गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी मेरी 2062 किलोमीटर चली है बस। एवरेज एरिया नई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं फ्रेश फ्रेश होता हूँ, अपना जो खाना वाना खाते हैं, टाइम वाइम हो रहा है, फिर निकलते हैं यहाँ से और आगे की अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो वेल गाइस, बैक टू द रूट, खाना वाना खा लिया, सब कुछ है, अब जो गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। टाइम क्या हो रहा है अपना, 3:00, ये सनलाइट ज़्यादा आ रही है, 3:22, और एवरेज हम निकालने की कोशिश करते हैं इसका। जो मैं ट्रिप भी जो है रीसेट कर देता हूँ, ट्रिप ए को तो रहने ही दूँगा, ट्रिप बी को मैं रीसेट कर देता हूँ अपना, ट्रिप बी जो है रीसेट कर दी है। तो चलिए करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं। तो फिलहाल भाई हम हैं कुरुक्षेत्र में और जो है निकल रहे हैं अब आगे की साइड, मतलब चलती जा रही है रोड, चलती जा रही है। और माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मैं जो माइलेज निकाल रहा हूं उस गाड़ी से 20.5 का, और जीजू जो है 18.5 निकाल पा रहे थे। तो भाई डिपेंड करता है ये कि मतलब आप के चलाने पे भी भाई गाड़ी जो है माइलेज आप पे ही डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से आप गाड़ी से माइलेज निकाल रहे हो। और जो है ये देखिए व्यू का मज़ा लीजिए, ऑटोमेटिक गाड़ी, आपको पता है यहाँ मूवी चल रही है तो उन्होंने मूवी चला रखी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, भाई ये ना इंसाफी है, गलत बात है जी, ये तो गलत बात है। मतलब आप मूवी देख रहे हो और मैं मतलब गाड़ी चला रहा हूँ, वैसे मैं भी चला सकता हूँ, तो जीजू ही चला रहे थे 300-350 किलोमीटर, आप मेरे को दे दिया। खैर ये डिज़ायर जा रही है, इंडियाज़ फेवरेट सेडान। तो भाई माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो माइलेज जो है नेक्सॉन ऑटोमेटिक पेट्रोल 21.1 का जो है माइलेज निकाल लिया, जैसे कि आप ये देख सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया माइलेज है। बाकी जो आप व्यू देखो भाई, क्या व्यू आ रहा, मतलब बादल देखो ऊपर है यार, पर क्लीन कितना है। हाँ बिल्कुल, ये देखो साइड के ये सब नहीं है रोड पर, बहुत क्लीन रोड है। तो भाई अब आ गए हैं हम अंबाला, ऊपर जो लिखा हुआ ये ट्रक के पीछे छुप रहा है, और बिल्कुल मेन एंट्री पे ही ना, ये देखो अंबाला मेन एंट्री पे ही जाम मिल गया भाई, अंदर यहाँ पे जाम मिल गया तो अंदर क्या होता है देखी जाएगी। अब फिलहाल तो जो है भाई ये इधर से मुड़ रहा है, ये इधर से दबा रहा है, इधर से आ रहा है भाई, इनसे तो बड़ी बचा के चलनी पड़ रही है। बाकी एवरेज देख लो भाई आप 21.1, और जब से 76 मैंने चलाई है, जब से मतलब वहाँ से ली थी मैंने, और अभी तक 2 डंडे गिरे हैं, फुल टंकी कराई थी मैंने, आपको दिखाया भी था, तो जाम में से निकलता क्योंकि बार बार ट्रक आ रहे हैं। फिलहाल हमें कुराली में और रूपनगर जो है आने वाला है, और यहाँ से जो है मनाली कितना रह गया हमारा, 278। तो भाई लगता तो नहीं कि हम मतलब पहुँचेंगे, टाइम क्या हो रहा है 6:09, तो 6:09 हो रहे हैं, लगता है किस टाइम तक पहुँच पाएंगे। इसमें क्या दिखा रहा है मैप के अंदर, 1:30, मतलब रात के 1:30। अब देखते हैं भाई या तो मनाली पहुंच पाएंगे या फिर जो पहली, फिर हमने कहाँ सोचा है फिर रुकने का, मंडी में रुकेंगे अगर मनाली नहीं पहुंच पाए। फिलहाल बहुत थक गया हूँ मतलब गाड़ी चलाते चलाते, और ने एवरेज देख लो 18.7 का जो माली से गाड़ी, हाँ थक तो जाते ही हैं भाई, अब ये तो है नहीं। फिलहाल जो ऊपर देखो बोर्ड आ गया, मैं आपको बोर्ड पे भी एक बार दिखा देता हूँ करंट हम कहाँ पर हैं, बोर्ड पर देखो 279 मनाली दिखा रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा कम दिखा रहा है, अब जो भी आप अपने हिसाब से देख लो। रूपनगर 14 किलोमीटर, ये 279, और ये सब मनाली व्यू बड़ा सेट आ रहा है। हाँ अभी रोकेंगे मैं, फिर चाय पी लेते हैं ना। हाँ अभी मैं रोकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसे पूरा 150 कर दूँ। यहाँ लिया है चाय ब्रेक अपना, और यहाँ रूपनगर में रुके हैं, मतलब नेक्सॉन की स्थिति ये अब तक बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आधी टंकी हो गई है इसकी, और 300 कुछ अभी भी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रही है। बाकी आप हालत देख लो भाई अपनी गाड़ी की, एकदम बढ़िया चल रही है। इसका एक्सीडेंट हुआ था वो वाली, आप अगर ने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए टाटा ने क्या काम करा इस गाड़ी के अंदर,
आप देख लो भाई क्या इनकी सर्विस थी क्या नहीं, सब कुछ है। मतलब मैं टाटा की गाड़ियों के ऊपर वीडियोस लाते रहता हूँ, आपको पता है मेरे पास नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, ऑल्ट्रोज है, और आप मैं चाहता तो एक दिन सफारी भी आ जाएगी। तो चलिए चाय वाय पी लेता हूँ, फिर मैं जो है बात करता हूँ। ये रही चाय। अच्छा वापसी का क्या प्लान है? कितने दिन में? तो मिलते हैं अब सीधा गाड़ी के अंदर। चल तो भाई अपडेट ये है, फिलहाल बिलासपुर में हैं हम। मैंने आपको अपडेट पीछे इसलिए नहीं दिया कि भाई देखो गाड़ी चलाते हुए ना मतलब मैं व्लॉग नहीं बना सकता था, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और पहाड़ी इलाका है तो बार बार गाड़ी चल रही थी। फिलहाल अगर देखते अगर मनाली तक अगर मतलब पहुंच पाए, ज़्यादा टाइम नहीं हो तो ठीक है, वरना मंडी में रुक जाएंगे फिर सुबह को मनाली चले जाएंगे। बाकी अपनी नेक्सॉन ये है, अभी अच्छा खासा एवरेज निकाल रही है, ऑटोमेटिक अच्छा खासा चल रही है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको जो अभी अंदर दिखा दूँगा, अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा, अब जीजू ड्राइव करेंगे। तो ये है अपनी नेक्सॉन। तो चलिए अब आगे की अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो भाई गाड़ी चल गई है हमारी, टोटल हमारा कितनी चल गई है ट्रिप ये पे 422 किलोमीटर, और जो है डंडे बचे हैं अब दो, तो सोच रहा हम इसको जो है रिफिल करा लेते हैं। खोल देना इसका, फुल करानी है, एक मिनट बस 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 फुल कर दो भाई। 95 का है एवरेज, तो सही दे रही है जीजू। हाँ, अच्छा है, अभी पहाड़ों पे 16 दिखा रहा है, मतलब दे रही है आराम से, 14-15 भी है पहाड़ों पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी पूरी भरी हुई है। तो भाई इसमें देखते हैं कितने लीटर, पहले कितना आया था? 3500 रुपये का आया था, तो 40 लीटर पेट्रोल। हाँ 38 ऐसी आया था, अब देखते हैं कितना आता है। यार ये तो चला ही जा रहा है, लग गया कट। तो भाई 26.50 है, 26.5 उस पर जो है 26 लीटर में 26.5 लीटर आया, थोड़ा सा और डाल दो इसमें, पूरे 27 कर दो उसमें, आधा लीटर और डाल दो। जाने लायक 2700 करना है 2700 करना है 2600 का कर दो पूरा पूरा। बस मंडी है भाई, 50 तो मंडी तो इजी चले जाएंगे। मंडी जा सकते हैं अभी? मंडी जा सकते हैं, थोड़ा रोड खराब है। कुल्लू पड़ेगा मंडी से, जहां और मनाली जाएं रात में, मंडी तक तो कुल्लू तक भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। अच्छा मनाली, मनाली मनाली जाए कुल्लू से 40 किलोमीटर आ रहा कर रहा हूँ अभी, जाए मनाली तो जाओ, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ से जाना आगे। रोड रोड में कई बार बंद भी हो जाता, पहले कल बंद था रोड, कल बंद था रोड, बंद है तो बीच से रोड बन रही है, बीच से बंद रही है, अब ना वही काम लग रहा है उसमें, तभी बंद। अब ना मंडी चल रहे हैं, मंडी ठीक है। तो भाई ब्रेक यहाँ पे ले आया, अब हमने यहाँ ये रहा हिमाचल कैफे एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे आई लव हिमाचल भी लिखा हुआ है। बाकी भाई बहुत थक गया हूँ, मतलब हालत ख़राब हो रही है, और यहाँ आए हैं। अच्छा अब भी जो है 60-65 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से मंडी। तो भाई अपना खाना वाना हो गया है, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद ही देख लो 10:47 हो रहे हैं, और यहाँ लिखा आई लव हिमाचल। भाई गाड़ी अपनी ये खड़ी नेक्सॉन, अब सीधा जो है हम अपना कहाँ जा रहे थे वो? थोड़ा प्लान चेंज हो रहे हैं, मंडी स्टे हमारा मंडी है, अच्छा डेस्टिनेशन स्पीति है, डेस्टिनेशन स्पीति है, अब मनाली नहीं, मनाली होते हुए ना। चलिए नेक्स्ट स्टॉप पे मिलता हूँ, अब क्या मैं डायरेक्ट वहीं जब होटल पहुँचूंगा जाऊँगा, बहुत थक गया हूँ आज की वीडियो में। तो जो है आपको मतलब इतने एडवेंचरस नहीं लगी होगी, बस ये नेक्सॉन का दिखाया कि भाई क्या परफॉर्मेंस थी क्या नहीं।
थोड़ा सा जो है एडवेंचरस कम है ये वाली वीडियो, बाकी जो अब जो है नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो ज़्यादा जो है बढ़िया रहेगा, क्योंकि ना यार देखो इसमें यही था कि भाई मैं जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पहुँचा हूँ, गाड़ी ने क्या दिखाया, क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस थी, सब कुछ जो है इसमें दिखाया है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो आप सपोर्ट रखेंगे नेक्स्ट में जो है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, स्पीति वैली और जो जो चीज़ें होंगी सब कुछ, एडवेंचरस चीज़ जो होंगी सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो चलिए होटल में मिलता हूँ, फिर वहीं करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड। तो भाई अगर आप पहाड़ी इलाके में या फिर कोई से भी इलाके में गूगल मैप लगा के जा रहे हो ना, तो भाई मेक श्योर पहले किसी और से भी पूछ लो, हमारा जो है रूट मतलब मिसमैच हो चुका है और गूगल ने शॉर्टकट बता दिया और आप खुद ही रोड देखो यार, इस रोड पर कुछ नहीं है, मतलब कोई नहीं है इस रोड पर, गूगल ने ना हमें शॉर्टकट बता दिया और हम इस रूट से निकल रहे हैं, देखो आप कुछ भी नहीं है। तो भाई कोई भी हो, चाहे आप पहाड़ी इलाके में हो या कोई भी इलाके से, मतलब कहीं भी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको नहीं पता, तो मेक श्योर आप जो किसी से भी पूछ लीजिए, जैसे कि लैंडमार्क होते ना पनवाड़ी, उनसे पूछ ले करो भाई कि भाई चाय वाले हो या इनसे पत्ते खेलते रहते हैं भाई, उनसे पूछ ले करो कि भाई आसपास मतलब ये कौन सा रास्ता जा रहा है, ऐसा जा रहा है, देखो हमारे साथ तो ये केस हो गया, अब हम देखो कि एक तरीके से गांव गांव में से निकाल के जा रहा है ये रास्ता, आप ये देखिए। तो भाई ये मेक श्योर आप ये चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए मैं ये चीज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको कि भाई हमारे साथ तो कुछ ऐसा सीन हो गया। खैर अब चल रही है, मैं होटल पर जो है जाके आपको जो है ये व्लॉग फिनिश करता हूँ। तो फाइनली भाई हम आ गए हैं अपना मंडी में, ये होटल मिला है बहुत मुश्किल से, किला जो भी इसका नाम है मेरे तो नाम में ध्यान नहीं हो रहा, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो भाई 1 बजने वाले हैं और सब सामान निकालना है। तो ये जो है व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, बाकी आप नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो सारी एडवेंचरस चीज़ जो है सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।